Hello everyone, welcome in second part of video of molecular orbital theory. In first part, we have started postulates of molecular orbital theory and we have discussed three postulates. First was LCAO, that is linear combination of atomic orbitals, according to which atomic orbitals can overlap linearly. Second is similar energy. The linear combination is possible when the orbitals are of similar energy. If there is a gap between energy levels of two different orbitals, then linear combination is not possible. Then third was redistribution of energy. When two or more orbitals linearly combines, then their energy will combine together and then it will be redistributed. So the number of combining atomic orbitals will be equal to number of for molecular orbitals. That means जितने number combine होंगे उतने ही number of molecular orbitals की formation होगी और उसमें से आधे orbitals lower in energy होंगे, आधे orbitals higher in energy होंगे. Lower orbitals are called bonding molecular orbitals and higher orbitals are called anti-bonding molecular orbitals. इससे आगे के part को start कर रहे हैं, that is postulate number 4, which indicates कॉन्फिग्रेशन. यानी अभी तक हमने जो पहले के तीनों पॉस्टुलेट्स पढ़े उन पॉस्टुलेट्स में हमने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात की, उस ओवरलैपिंग के बाद में रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की. तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फिग्रेट करते हैं. तो जो हमारा कॉन्फिग्रेशन है ये कॉन्फिग्रेशन दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला पार्ट होता है लाइटर मॉलिक्यूल के लिए. लाइटर मॉलिक्यूल हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप टू 14 हो, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 14 या 14 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम कहते हैं लाइटर मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा हैं, उनको हम कहते हैं हैवियर मॉलिक्यूल्स. तो पहले लाइटर मॉलिक्यूल के कॉन्फिग्रेशन को देखते हैं. जो लाइटर मॉलिक्यूल है उसके कॉन्फिग्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px is equal to pi 2py, then sigma 2pz, pi star 2px is equal to pi star 2py, and last one sigma star 2pz. ये हमारे ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल सीक्वेंस है. यानी इस सीक्वेंस को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, दिस सीक्वेंस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. अब ये सारे सिग्मा 1s 2s ये सब आए कहां से? हमने अपने थर्ड पॉस्टुलेट में पढ़ा था कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है. तो ये s और p ऑर्बिटल्स को समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लिया हमारे पास कोई एक एटम है a, इस एटम के पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कुछ ऑर्बिटल्स के अंदर प्लेस हुए हैं. तो मान लिया जो एटम a है इसके पास जो ऑर्बिटल है वो है 1s. सपोज एक ऑर्बिटल 1s, ऐसे ही एक एटम है b, इसके पास एक ऑर्बिटल 1s, यानी ये दोनों ही पहले शेल के ऑर्बिटल्स हैं. इन ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. अब अगर ये दोनों s ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पुराने पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तरफ एटम a, एक तरफ एटम b. जो एटम a है इसका ऑर्बिटल 1s, जो एटम b है इसका ऑर्बिटल 1s. इन ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे. अब इन ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो हमने थर्ड पॉस्टुलेट में पढ़ा था. तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का बन जाएगा और दूसरा ऑर्बिटल हायर एनर्जी का बन जाएगा.
यानी ये ऑर्बिटल्स किसके हैं, ए बी दैट इज मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का है उसको हमने थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ा कि इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी का है उसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं, दिस इज बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज ए बी एम ओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये दोनों ही 1s 1s ऑर्बिटल हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसके लिए भी हमें कोई नॉमिनक्लेचर देना होगा। तो अगर s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई तो बनने वाले ऑर्बिटल का नाम भी s ही होगा, लेकिन दो ऑर्बिटल हैं इसलिए नीचे वाले ऑर्बिटल को सिग्मा 1s और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को स्टार 1s यानी एंटी बॉन्डिंग के साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बनने वाले ऑर्बिटल्स में से जितने भी ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होंगे उनको हम सिंपल सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के होंगे उनको सिग्मा के ऊपर स्टार लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। सेम कंडीशन पी ऑर्बिटल्स के साथ होती है, जब पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में भी सिमिलर कंडीशन होती है कि हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं पी, एटम ए के लिए, एटम बी के लिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये पी ऑर्बिटल्स हैं किसी एक एटम के पी एक्स पी वाई पी जेड और किसी दूसरे एटम के पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी यहां पर मैंने लिखा 2p ऑर्बिटल जिसमें से एक पी एक्स हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा और एक पी जेड हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं। पी एक्स के साथ पी वाई को लिखा है इक्वल, यानी जो पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल हैं इनके साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमने सिग्मा की जगह पाई की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया। और ये जो बनने वाले ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी लेवल सेम होता है, तो पी एक्स का एनर्जी लेवल पी वाई के इक्वल हो सकता है या फिर पी वाई और पी जेड का एनर्जी लेवल इक्वल हो सकता है। दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं और दोनों कंडीशंस ही करेक्ट हैं, तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहां पर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो अगर हमारे पास पी एक्स पी वाई और पी जेड ये तीन तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पोस्टुलेट दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, जितने नंबर ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन के लिए टोटल 6 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें से शुरू के 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग होंगे और ये 3 ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग यानी हायर एनर्जी के होंगे। दैट मीन्स अगर ये एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का है, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो सेंटर वाला एनर्जी लेवल हम लेकर चल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक, तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें से पहले वाले 3 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल से लो होगा यानी कम होगा, और उसमें भी पी एक्स और पी वाई का एक जैसा होगा। तो अगर एक जैसा एनर्जी लेवल है तो हम इसको क्या करेंगे, एक साथ ड्रॉ करेंगे, यानी ये हमारे पास हुआ 2px और ये हमारे पास हुआ 2py, और इसके ऊपर हमने अगला ऑर्बिटल ड्रॉ किया 2pz। सेम कंडीशन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में होगी, हमने लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई लेकिन स्टार के साथ, यानी कि ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात हम कर रहे हैं। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हायर एनर्जी लेवल के हैं, यानी इस एनर्जी लेवल सीक्वेंस से ऊपर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, जबकि ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल थे इनमें हमारे पास कहीं पर भी स्टार मेंशन नहीं था, केवल पाई 2px, पाई 2py और पाई 2pz। अब एक ऑर्बिटल और बचता है जिसको हम नाम देंगे सिग्मा स्टार 2pz, सॉरी दिस वन इज सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हमारे ऑर्बिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसी एनर्जी लेवल सीक्वेंस की फॉर्म में हम इसको मेंशन करते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, जब दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए तो दो s ऑर्बिटल्स बने, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही जब सेकेंड लेवल के दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए
तो दो ही ऐसे ऑर्बिटल्स बने, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। जब पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए तो तीन तीन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, यानी छह ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई, जिसमें से तीन ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग ये वाले तीनों, और बाकी के बचे हुए तीन ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हुए। इस तरीके से हमारे इस लाइटर मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को हम समझ सकते हैं। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। इससे अगले पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी लाइटर मॉलिक्यूल का ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हैवियर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो जो सेकेंड पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन का, पार्ट बी फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स। हैवियर मॉलिक्यूल्स किन को कह रहे हैं हम? जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14। लाइटर वो मॉलिक्यूल्स हो गए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, हैवियर वो हो गए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 से ज्यादा हैं। तो अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा देख लेते हैं। हमारे पास हुआ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यानी इतना लाइटर और हैवियर में सिमिलर है। इसके बाद हम बढ़े सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, यहां तक भी ठीक है। अब जब हम p ऑर्बिटल पर आते हैं तो लाइटर मॉलिक्यूल के लिए हमने लिखा था px इज इक्वल टू py और उसके बाद हमने लिखा था pz, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, हमारे पास पहले आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, यानी ये 2pz पहले आ जाता है और px और py की पोजीशन बाद में पहुंच जाती है। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उसमें पहला वाला सीक्वेंस ही फॉलो होता है, दैट इज पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए तो सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो सिग्मा 2pz की पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो जाती है और वो px और py से पहले आ जाती है। और ये ऐसा होता क्यों है? इसके होने का रीजन है स्टेबिलिटी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज्यादा होते हैं वो मॉलिक्यूल्स 15th इलेक्ट्रॉन आते ही अनस्टेबल हो जाते हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से pz ऑर्बिटल एनर्जी रिलीज करके px py से नीचे आ जाता है। तो लाइटर और हैवियर मॉलिक्यूल के बीच में कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस केवल ये pz रिप्रेजेंट करता है, जो कि केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं होगा। अब ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये सब बिल्कुल लाइटर मॉलिक्यूल की तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है, यानी इसकी एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में चल रहा है। ये हमारा फोर्थ पोस्टुलेट था, जिस पोस्टुलेट में हमने दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन देखा, लाइटर और हैवियर मॉलिक्यूल का। इस कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक सिंगल पार्टीशन की फॉर्म में होता है, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। पी ऑर्बिटल तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और हर एक पार्ट मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स बियर करता है। तो इस बेसिस पर जो हमारा मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम मेंशन करेंगे तो हर एक टाइप ऑफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5, यानी ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से हम क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट की फॉर्म में मैं मेंशन कर रही हूं मैग्नेटिक बिहेवियर। जो मॉलिक्यूल है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा पार्ट होता है डायमैग्नेटिक। पैरा और डायमैग्नेटिक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर इन ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट
तब मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर सबके अंदर दो 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 इलेक्ट्रॉन है, मान लिया मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो किसी मॉलिक्यूल के, और मैं उन 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूं, तो 2, 4, 6, 8, 10, यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी के ऑर्बिटल्स खाली रह गए। लेकिन इन 10 के 10 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, हर जगह दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तब हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो हमारे मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऑल आर पेयर्ड, अगर मैंने कहा 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये 11वां इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, तो दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से नेचर कैसा हुआ? पैरामैग्नेटिक। इसको डिटेल में जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तब और क्लैरिफाई करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पोस्टुलेट, इट इज बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, और वी कैन से मेजरमेंट ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, इस बॉन्ड ऑर्डर को हम कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। अब यहां पर एन बी क्या है? इट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और एन ए क्या है? इट इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, यानी जिनके ऊपर स्टार नहीं है, वो सारे कहलाएंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो स्टार वाले ऑर्बिटल्स के अंदर हैं, वो कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा रिलेटेड होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, यानी इसी पोस्टुलेट को कंटिन्यू कर रही हूं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये कुछ मेजरमेंट है बॉन्ड ऑर्डर के। जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू कोई ना कोई नंबर की फॉर्म में होगी, यानी अगर मैं एक और पॉइंट मेंशन करूं कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर उसकी वैल्यू जीरो कैलकुलेट होकर आती है, तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हम लास्ट पोस्टुलेट की फॉर्म में इसको समराइज कर रहे थे। तो हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में टोटल 7 पोस्टुलेट्स हमने कंसीडर करे, सॉरी 6 पोस्टुलेट्स हमने कंसीडर करे। फर्स्ट लकाओ लीनियर कॉम्बिनेशन, सेकंड सिमिलर एनर्जी, थर्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, देन फोर्थ पार्ट वॉज कॉन्फिग्रेशन विच हैव बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, लाइटर मॉलिक्यूल एंड फॉर हैवियर मॉलिक्यूल, देन मैग्नेटिक बिहेवियर, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर पैरामैग्नेटिक, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड डायमैग्नेटिक, देन लास्ट वन बॉन्ड ऑर्डर विच कैन बी कैलकुलेटेड एज एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, एन बी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन ए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल्सो रिलेटेड विद बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ। वी कैन ऑल्सो
check the existence of molecule by checking the bond order. If it is zero, then molecule does not exist. So I hope you all understand the postulates of molecular orbital theory. As a next part of molecular orbital theory, or we can say as a next topic, we'll start applications of molecular orbital theory, in which we will learn how we can draw the molecular orbital diagrams of homo and heteroatomic molecules. Thank you so much.